अच्छा जी, अब मैं पूरी दुनिया के ऊपर एक बात आश्कार कर देना चाहता हूं। कर दे। आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, यस सर, मैंने सबने देखा है। जी जी उसमें एक तो उनका होस्ट है जो वो सलमान खान है, वो एंकर है या होस्ट है जो भी उसको कहेंगे होस्ट, लेकिन असल में जो बिग बॉस है वो दुनिया ने नहीं देखा। कौन है नहीं देखा। जो कहता है बिग बॉस चाहते हैं ये हो जाए, जाए। बिग बॉस चाहते हैं वो हो जाए, तो आज मैं पूरी दुनिया को हमारे शो का बिग बॉस दिखाना चाहता हूं। ना करें। जी आज उनका नाम भी बताएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उन्हें यहां बुलवाएंगे भी। गुड। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, ही इज अ वेरी सीनियर गाय और इतना टैलेंटेड प्रोड्यूसर मैंने नहीं देखा अभी तक, जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत जुमा जुमा आठ दिन की जिंदगी है ये मीडिया के अंदर, और वो हैं इस शो के बिग बॉस। असल जहन में 24/7 ये चल रहा होता है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुझे लगता है घर जाके भी वो सिर्फ यही वर्किंग करता रहता है। एग्जैक्टली 100%। जब कॉल करो, बल्कि कॉल ना भी करो तो मैसेज आया होता है शो के हवाले से ही, और जितनी पेन वो आदमी इस शो की ले रहा है, मुझे यूं लगता है कि एक दिन ना पूरा शो बन के ना गंडी दौड़ जाएगा। तो वो ऐसे ही इकट्ठा कर रहा है मोतियों को। अरुण साहब आप शो की बात कर रहे हैं, नहीं पैगी दौड़ते ऐसे भी नहीं देते। देखिए आप शो की बात कर रहे हैं, अभी रास्ते में मुझे कॉल आई है। हाँ हाँ सोच लो, रन डाउन बना लो, क्या करना है, हमने शुगर लगाना है, एक्टिविटीज होनी चाहिए। मैंने कहा डोंट वरी, हम कर लेंगे, तुम बस पहुंचो। तो आप सब क्लैप करेंगे, आज हम सबको दिखा देते हैं कि शो का बिग बॉस कौन है। हसनैन नाफे। अच्छा जी, सबसे पहली बात जो हरुण भाई पे, तो क्योंकि लफाजी खत्म है और रावियन है वो, ये कर लो हाथ में एडवाना गाना गाने लगे जी। क्योंकि पॉइंट इज दिस के एक थोड़ी सी मैं हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा कि 2011 में मैंने एयरवे लाहौर को ज्वाइन किया था, और अब तक हम तकरीबन मेरे ख्याल में 5 कॉमेडी शोज़ की कोशिश कर चुके, कि हम 5 शोज़ जिसके कुछ के पायलट किए, एक हमने बल्कि कामयाबी से तकरीबन 11वां शो चलाया 2012 या 13 में, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार एआरवाई की ख्वाहिश है कि कोई कॉमेडी शो करें, बट इनका शायद मिजाज नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो हजम भी नहीं होती थी और समझ में भी नहीं आती थी, बट इसी जगह पे मुझे याद है कि मैं एक मीटिंग करने आया जब आप लोग गुस्ताखियाँ कर रहे थे, तो एट दैट डे मैं सच्ची बात कहूँगा कि मुझे लगा कि मैं, क्या यार टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं, मतलब मैं आज ये पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि यार इतने तजर्बे कर लिए, इतने इतने बड़े होस्ट के साथ काम करके देख लिया, लेकिन कोई भी उस तरह से हमारे साथ चल नहीं पाया कुछ कॉमेडियंस के साइड से कुछ, क्योंकि ये शो जो है ये मतलब एक फील का नाम है, मतलब हर बंदा इसे हजम भी नहीं कर सकता। तो लेकिन जैसे ही जब हमने किया और स्टार्ट किया, तो डे बाय डे मैंने एक दिन हारून साहब को आके बोला, मैं कहा मुझे ना दो चीज़ें, मैं कहा एक मुझे आप एंकर नहीं लगते, क्योंकि आप अभी एंकर बने नहीं हैं, मेरा मतलब कुछ और था। सबको पता है कि जब इंसान एंकर बन जाता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के जितने मेन लीडिंग एंकर्स हैं तकरीबन सबके साथ काम किया हुआ है, और हर फॉर्मेट में किया, चाहे करंट अफेयर हो, इंफोटेनमेंट हो, इंटरटेनमेंट हो, म्यूज़िक हो, रिलीजियस हो, कुछ भी। तो मैंने एक तो हारून साहब को ये बात बोली, मैंने कहा कि आप मुझे एंकर नहीं लगे, जिस दिन खुदा ना खास्ता आप एंकर बनने लगेंगे मैं आपको बता दूंगा कि आज आप एंकर बनने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने इन्हें बोली, मैं कहा मुझे आप इंसान नहीं लगते, मैंने कहा मुझे आप इंसान नहीं लगते। मैंने कहा कोई भी नॉर्मल बंदा इस तरह से मैंने नहीं अपने करियर में देखा कि इतना अपनी तमाम चीज़ों को पीछे रख के काम करे, और ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं ना कि मैं सोचता रहता हूँ, मैं तो उसको और पर्सपेक्टिव में सोचता हूँ, बट जो एक चीज़ होती है जो मैं सबसे कहना चाहूँगा, इधर जितने लोग बैठे हैं, जितने स्वीपर से लेके कैमरामैन, सीआरई, हमारे जितना एडमिन स्टाफ है, फाइनेंस के लोग हैं, जितने लाइन सर्विसेज डिपार्टमेंट के सब लोग इधर बैठे हैं, इवन ड्राइवर्स, मतलब मुझे ये चीज़ पता है कि इस शो की कामयाबी की सिर्फ एक रीज़न है कि एक उन्होंने अपनी ईगोज़ को साइड पे रखा हुआ है, इस शो को आगे रखा हुआ है। सेकंड ये कि हर बंदे को सिर्फ ये है कि यार इसको कामयाब करना है और अपना बेस्ट देना है। मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होता है, मैं हमेशा सबको एक बात कहता हूँ कि यार काम हर कोई कर लेता है,
मतलब मैं आज इधर हूँ कल को चला जाऊंगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, अदारे चलते रहते हैं, शोज चलते रहते हैं, बट आपकी जितनी कैपेसिटी है आप अपनी नीयत साफ रखें, पूरा अपना 100% देने की कोशिश करें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें कि भाई रब आपको कामयाबी देता है या नहीं देता है, वो आपका नसीब है। तो इधर मैं सबसे ज़्यादा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो बैरिया टाउन में है हमारे और एडमिन स्टाफ के, उन्होंने तमाम SOPs को बालातर रखते हुए हमें हर वक्त आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। वो इंसान और ना लगने वाली बात जरा क्लियर कर दी। जी, इंसान ना लगने वाली बात ये है कि जिस तरह से ये काम करते हैं ना अपने शो को लेके, और जिस तरह से टैलेंट को सबको साथ लेके, क्योंकि इतने माशाल्लाह सीनियर टैलेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने खुद, मैं अपना बताता हूँ कि मुझे याद है कि जब हमारे कराची से जो चैनल हेड है उनकी, मुझे एक दिन कॉल आई रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही कि हसनैन ये याद रखना ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत अहम है। ठीक है, वो दिन और आज का दिन, फवाद साहब हों, अमाज साहब हों, जितने भी लोग हैं, मतलब वो दूर बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से हम अपना पूरा आउटपुट दे रहे हैं, बाकी जो नसीब है वो सबके सामने, और अल्लाह ने उसकी हमें फल भी दिया, इज्जत भी दी। और एक आखिरी चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सिंस 2022 का हमारा सेलिब्रेशन है, पूरा साल हमने अपने स्लॉट में टॉप किया है, तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, जो लोग हमारे साथ नहीं रहे उन्होंने भी अपना बेस्ट आउटपुट दिया, और आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि सब मिलके बैठ के एक बहाना है और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को शेयर कर रहे हैं। और हारून साहब एक अच्छे भाई, एक अच्छे होस्ट और एक अच्छे इंसान है। हाँ, आज बने। थैंक यू वेरी मच हसनैन, ये सारी आपकी कामयाबी है। क्यों नहीं, आप कैप्टन है भाई शिप के। थैंक यू वेरी मच हसनैन, आपकी सपोर्ट। सर रोटी खोल दो। सर रोटी खुल गई, सिर्फ दो लोग हैं, दो लोगों के बाद अभी रोटी खुल गई, रोटी बिल्कुल तैयार है।